हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माई चैनल। सो फाइनली JCC ANM GNM एंड BSc नर्सिंग BSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग वालों का जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है JCC बोर्ड द्वारा। ठीक है, बहुत देर बाद, सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद, सब कोर्सेज का काउंसलिंग ख़त्म हो जाने के बाद फाइनली अभी ANM GNM और BSc नर्सिंग वालों पे ऊपर थोड़ा ध्यान दिया है। ठीक है, तो आप लोग जो लगातार वेट कर रहे थे कि इसका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, प्रोसेस क्या है ना, तो आज का इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कब से कब तक आप लोगों का चॉइस फिलिंग होगा। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ कितने कॉलेज में कितना सीट्स अवेलेबल है, इसके अकॉर्डिंग मतलब किस रैंक के बेसिस पे चॉइस फिलिंग करना है ना। और JCC बोर्ड द्वारा और एक जारी किया गया है लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर काउंसलिंग। ठीक है, मतलब कल रात को ही एक लिस्ट जारी किया गया है, मतलब कि कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए, चॉइस फिलिंग के लिए। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में सारी चीज़ मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, है ना। वीडियो को एंड तक देखने के बाद ही आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह, आपको कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह करना हो, आप मुझसे बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है, कोई भी क्वेरीज हो आप मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चॉइस फिलिंग का जो डेट्स है, कब से कब तक है, कितना फीस देना होगा, है ना, ANM GNM वालों के लिए एंड BSc नर्सिंग वालों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं ANM GNM के लिए। ठीक है, तो नर्सिंग प्रतियोगिता परीक्षा ANM GNM 2023 के आधार पर प्रथम चक्र मतलब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है राज्य के नर्सिंग संस्थानों में सरकारी नर्सिंग संस्थानों के सभी सीटों एवं गैर सरकारी मतलब प्राइवेट कॉलेज में 50% मुक्त सीटों के ANM GNM पाठ्यक्रम में नामांकन की अनुशंसता हेतु प्रथम ऑनलाइन साक्षात्कार दिनांक 23 मतलब आज से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ मेंशन है मैं आपको बता दूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड चॉइस फिलिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, मतलब जो चॉइस फिलिंग के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बोला गया है, फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, एंड चॉइस फिलिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट के लिए बोला गया है, जो कि 23 से स्टार्ट होने वाला है और 25 इसका लास्ट डेट है। ठीक है, 25 सितंबर तक। ठीक है, उसके बाद 27 को आप लोगों का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा, जिसमें से आपको पता चलेगा कि आपके चॉइसेस के अनुसार क्या आपको कॉलेज मिला है। ओके, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको जो कॉलेज मिला है वो कॉलेज में जाकर आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका एडमिशन वगैरह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। नर्सिंग प्रवेश प्रतियोगिता के उत्तीर्ण अभ्यर्थी की सूची में शामिल सभी अभ्यर्थी उपलब्ध संस्थान पाठ्यक्रम में से अपने लिए पाठ्यक्रम संस्थान का चयन प्रायोरिटी के अनुसार ही चॉइस फिलिंग में रख सकते हैं। मतलब कि अभी जो मैंने आपको बताया कि आप लोगों का एक लिस्ट जारी किया गया जिसमें लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का नाम दिया हुआ है, सिर्फ वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ वंचित प्रमाण पत्र यथा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय एवं समाप्ति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र का प्रारूप परिषद के वेबसाइट के डाउनलोड कॉलम में उपलब्ध है। ओके, तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि चॉइस फिलिंग का जो काउंसलिंग का जो फी है, आप जनरल EWS BC1 BC2 वालों का 400 रुपीज़ है और फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज का 250 रुपीज़ है। ठीक है, सेम BSc नर्सिंग बेसिक पोस्ट बेसिक का भी वही सेम चीज़ है, 23 से 25 तक है। ठीक है, सीट अलॉटमेंट 27 को जारी किया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि एडमिशन प्रोसेस है वो आपका 28 से लेकर 30 तक है आप लोग का। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दूं कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो कि सिलेक्टेड है, मतलब कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, आप अपना नाम चेक कर सकते हो कि नहीं। ठीक है, कैसे आपको पता चलेगा आपका नाम उस लिस्ट में है कि नहीं। ठीक है, बट उससे पहले वो सब जो PDF में आपको जो है आपको डाउनलोड कॉलम में मिल जाएगा। जब आप JCC का वेबसाइट में आओगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड कॉलम दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ नर्सिंग ANM GNM, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ BSc नर्सिंग बेसिक और पोस्ट बेसिक का। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी ओपन किया है BSc पोस्ट बेसिक का, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स का नाम है, ठीक है, सब चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो आप अपना नाम चेक कर लीजिए आपका नाम इसमें है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने ओपन किया है BSc बेसिक वालों के लिए, यहाँ पे भी आप अपना नाम देख लीजिए आपका नाम इस लिस्ट में है कि नहीं। ठीक है, अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद ANM GNM के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हो। ठीक है,
अब बात करते हैं चॉइस फिलिंग कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको JCC के वेबसाइट में आना होगा, ठीक है। JCC के वेबसाइट में जब आप आओगे, आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लिक कर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग 2023, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। जब आप इस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ANM JNM वालों के लिए अलग से एंड बेसिक पोस्ट बेसिक वालों के लिए अलग से, ठीक है। देख रहा होगा यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर BSc नर्सिंग बेसिक पोस्ट बेसिक और ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर ANM JNM एडमिशन 2023, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका मैं ओपन करता हूँ ANM JNM का, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर ओपन करोगे तो कुछ यहाँ पे ब्लिंक हो रहा होगा, ठीक है। स्टूडेंट कैन गेट लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड फ्रॉम दिस लिंक, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो जब आप इस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, जब आपने फॉर्म फिलअप किया था आपको एप्लीकेशन नंबर मिला होगा तो वो एप्लीकेशन नंबर डालना होगा। अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं तो आपका जो रिजल्ट जारी हुआ था आपका एंट्रेंस एग्जाम का उसमें एप्लीकेशन नंबर मेंशन होगा, या तो अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वहाँ पर भी आपका एप्लीकेशन नंबर मेंशन होगा, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन नंबर मेंशन कर दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ मेंशन कीजिएगा और कैप्चा कोड मेंशन कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो कैप्चा कोड बोला गया है, करने के बाद जब आप सर्च वाला ऑप्शन में क्लिक करोगे एक आईडी एंड पासवर्ड जनरेट होगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, ठीक है। तो आपको तुरंत क्या करना है, अपना ईमेल आईडी ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद वहाँ पे जो आईडी एंड पासवर्ड जो दिया हुआ है उस आईडी एंड पासवर्ड को कॉपी पेस्ट कर लेना होगा। करने के बाद फिर आपको इसी वेब पेज में आना होगा, ठीक है। आने के बाद यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन दिख रहा होगा। साइन इन का ऑप्शन में जब आप क्लिक करो तो जो अभी आईडी एंड पासवर्ड आपके ईमेल में आया है वो आईडी एंड पासवर्ड और कैप्चर कोड डालना होगा, ठीक है। इस पर आपको साइन इन में क्लिक करना होगा, ओके। ये करने के बाद तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका प्रोफाइल जो है आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। प्रोफाइल ओपन हो जाने के बाद आपसे यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चंस वगैरह पूछा जाएगा, तो अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन उसका आंसर सेट कर सकते हो। करने के बाद फिर आपका एक प्रोफाइल ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपका सब कुछ मेंशन रहेगा, आईडी एंड पासवर्ड आईडी वगैरह, आपका नाम वगैरह मेंशन रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपसे यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ पे और एक ऑप्शन आ जाएगा, प्रोफाइल ओपन हो जाएगा जिसमें आपका रैंक वगैरह सब कुछ मेंशन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका डैशबोर्ड रहेगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि कैसे कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। जब आप सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कितना कितना पेमेंट करना है, तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना जी। जनरल EWS BC1 BC2 वालों के लिए 400 रुपीज़, ST SC फीमेल कैंडिडेट का 250 रुपीज़, ठीक है। वैसे आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद जब पेमेंट का ऑप्शन आएगा आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड UPI से पेमेंट कर सकते हो, ओके। पेमेंट हो जाने के बाद फिर आपको क्या करना है, सेवन नेक्स्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करना होगा। कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो सेवन नेक्स्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करना होगा। करने के बाद फिर आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। डॉक्यूमेंट मतलब आपसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। डॉक्यूमेंट उसमें मेंशन रहेगा कि आपको क्या क्या डालना है, ठीक है। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट डालने के लिए बोला जाएगा। जो लोग ST SC BC1 BC2 कैटेगरीज बिलोंग करते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ठीक है। जो EWS से बिलोंग करते हैं उनका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ठीक है। वो सब अपलोड करने के बाद ही आपको चॉइस फिलिंग के लिए आपको आगे प्रोसेस के लिए बोला जाएगा, ठीक है। जब तक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करोगे तब तक आप अपना चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, क्या क्या आपको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो जो उसमें मेंशन रहेगा वो सब आपको अपलोड करना है। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हुआ, या अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। अगर आप EWS से बिलोंग करते हो EWS का जो सर्टिफिकेट है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट वो आपको देना होगा। अगर आपने TFW के द्वारा अगर आपने अप्लाई किया था और अगर आपका TFW के थ्रू अगर आपको सीट मिला है तो आपको TFW के लिए इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। जैसे जैसे जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको स्क्रीन में देखा उसी के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा इन द फॉर्म ऑफ PDF, ठीक है। तो वो आपको इसमें अपलोड करना होगा, ठीक है। अपलोड करने के बाद जब आपका हो जाएगा फिर आपसे नेक्स्ट प्रोसेस जो कि आपको चॉइस फिलिंग का प्रोसेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग वगैरह करना होगा, जहाँ पे अपना कोर्स इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट का नाम वो सब सिलेक्ट करना होगा। करने के बाद जब आप सर्च कॉलेज में क्लिक करो तो आपका कॉलेज का नाम सर्च आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा ऐसे करके आपको अपना कॉलेज सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। करने के बाद जब आप कॉलेज सब सिलेक्ट कर लोगे यहाँ पे आप कॉलेज ऐड भी कर सकते हो डिलीट भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। करने के बाद जब आप सेवन नेक्स्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करोगे, करने के बाद फिर आप अपना यहाँ पे जो रेफरेंस है प्रेफरेंस है उसको आप ये चेंज कर सकते हो, है ना। अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप सेवन नेक्स्ट वाला ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा। करने के बाद आपका एक डिक्लेरेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है, कि आपने जो भी चॉइसेस किया है यही चॉइसेस रखना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है। करने के बाद फिर आप क्या करना है, यहाँ पे डिक्लेरेशन में क्लिक करके यहाँ पे चॉइसेस को आप लॉक कर सकते हो, ठीक है।
और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, चॉइसेस जो आप लॉक कब कीजिएगा, चॉइसेस जो है आप लॉक लास्ट में कीजिएगा, जैसे कि चॉइस फिलिंग का जो लास्ट है आपका 25 है ना टू 24, या तो 25 सुबह तक लॉक कर लीजिए, क्योंकि बाय चांस मान लीजिए अगर आप चॉइसेस किए हो फिर अगर आप लॉक कर दोगे है ना, फिर आप सोच फिर आप चाहना मतलब जो चॉइसेस आपने जो रखा है उसका फिर एडिट करना चाहते हो लॉक करने के बाद, फिर आप उसको अनलॉक करोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेटर यही रहेगा कि अभी आप चॉइसेस को अनलॉक मत कीजिएगा, हो भी सकता है आप अपना चॉइसेस जो आप उसको एडिट वगैरह करना चाहते हो, है कि नहीं। तो आप चॉइसेस को कब लॉक करोगे, जब लास्ट डेट रहेगा 25, जब लास्ट डेट रहेगा तब अपना चॉइस फिलिंग को लॉक कर सकते हो, ठीक है। लॉक करने के बाद यहाँ पे जब अगर आप अभी लॉक कर देना चाहते हो, जो अभी आपने चॉइसेस रखा अगर आप अभी लॉक कर देना चाहते हो, तो यहाँ पे टिक करके लॉक ऑप्शन फॉर्म में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा है, यू विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाई चेंज ऑल्टर योर कॉलेज प्रेफरेंस वंस यू लॉक इट। अगर आप लॉक कर देते हो एक बार तो आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आप मन से अगर आप चाहते हो कि हाँ मुझे कुछ चॉइसेस जो मुझे एडिट वगैरह करना है, करेक्शंस वगैरह करना है, तो अभी लॉक मत कीजिएगा, 25 को लॉक कर दीजिएगा, याद से लॉक ज़रूर कीजिएगा, लॉक करना ना भूलिएगा, ठीक है, मत भूलिएगा लॉक करना। और अगर अभी आप लॉक करना चाहते हो तो आप येस करके आप अपना चॉइसेस को लॉक कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चॉइस फिलिंग का प्रोसेस पता चल गया, ये भी पता चल गया कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है, जैसे कि मैंने अभी आपको लिस्ट बताया कि कौन कौन इस लिस्ट में एलिजिबल है, ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। अब बात कर सीट मैट्रिक्स को लेकर, तो मैं 2023 का अभी तक तो सीट मैट्रिक्स आए नहीं है, तो 2022 के हिसाब से मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पे टोटल 10 कॉलेज है ANM का, ठीक है। यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस का मैं आपको बता रहा हूँ, सब गवर्नमेंट कॉलेजेस का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 10 ANM कॉलेजेस है और 3 GNM कॉलेजेस है, ठीक है। तो जिन जो लोग ANM से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको सीट्स दिख रहा होगा, जनरल 12-12 सीट्स है, ST में 8-8 सीट है, SC में 3-3 सीट है, BC1 में 2, BC2 में भी 2-2 सीट्स है, EWS में 3-3 सीट्स है, ठीक है। तो जिनका भी रैंक मतलब जो ANM से बिलोंग करते हैं, जिनका भी रैंक मतलब एटलीस्ट मतलब मान के चलिए 100 से लेकर 120 तक जिनका भी रैंक है जनरल रैंक, ठीक है, वो लोग आराम से ये सब कॉलेज अपने चॉइसेस में रख सकते हो। जो ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनका रैंक 100-110 तक जिनका रैंक है ST रैंक, वो लोग आराम से ये सब ANM कॉलेजेस रख सकते हो। जो SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनका रैंक मतलब मान के चलिए आप अपना 40-45-50 तक जिनका भी रैंक है, 50 तक, वो लोग अपना ये सब चॉइसेस में रख सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो GNM कॉलेजेस है, 3 ही GNM कॉलेजेस है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ, जो GNM से बिलोंग करते हैं मतलब जो लोग जिन्होंने GNM के थ्रू अप्लाई किया है, तो अगर आपको सरकारी कॉलेज है तो जिनका भी GNM में जनरल रैंक है एटलीस्ट मान के चलिए 100 तक जिनका रैंक है, तो वो लोग ये सब कॉलेज रख सकते हैं, ये 3 कॉलेज रख सकता है, ठीक है। जिनका भी ST रैंक मतलब मान के चलिए 70-80 तक जिनका रैंक है, वो लोग ये कॉलेज रख सकता है, ठीक है। जो SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो लोग 50-60 तक जिनका रैंक है, तो वो लोग ये कॉलेजेस रख सकता है, ठीक है। और यहाँ पे भी वैसे ही आप अपना कॉलेजेस रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीट मैट्रिक्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है। तो इतना ही मान के चलिए, मतलब 150 तक जिनका रैंक है ANM में, वो लोग अपना आराम से कॉलेज रख सकता है, या तो GNM में भी वैसे आप रख सकते हो, ठीक है। 150 से ऊपर जिनका भी रैंक का स्टूडेंट है, वो लोग को मतलब गवर्नमेंट कॉलेज मिलना बहुत ही कम चांसेस है, बहुत ही कम चांसेस है, ठीक है। जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनका रैंक 150 से ऊपर है, उनको मिलना बहुत कम चांसेस है। जो ST SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनका भी बहुत कम मिलना चांसेस है, या तो BC1 BC2 से जिलोंग बिलोंग करे, या तो EWS से जिलोंग बिलोंग करे, उनको भी मिलना बहुत कम चांसेस है, ठीक है। अब बात करते हैं BSc नर्सिंग बेसिक पोस्ट बेसिक वालों का। BSc नर्सिंग बेसिक का एक ही कॉलेज जो कि नर्सिंग कॉलेज रिम्स है, SC में 5 है, ST में 13 है, BC1 में 4 है, BC2 में 3 है, EWS में 5 है, और जनरल में 20 है। मतलब जिन जनरल से जो लोग बिलोंग करें, जिनका रैंक 1 से लेकर 20 या तो 21 तक है, वो लोग आराम से ये चॉइसेस में रख सकते हैं। जिनका EWS है जो 1 से लेकर 6 तक जिनका रैंक, वो लोग आराम से रख सकते हैं। BC2 से जो लोग बिलोंग करते हैं, जिनका रैंक 3 या 4 तक है, वो लोग आराम से रख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनका रैंक 1 से लेकर 14 तक है, वो लोग आराम से रख सकते हैं। और SC कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं, जिनका रैंक 1 से लेकर 5 के बीच में, वो लोग रख सकता है, ठीक है। जो पोस्ट बेसिक से बिलोंग करते हैं, जिनका जनरल रैंक
मतलब एक से लेके 12 तक है जनरल रैंक, सी एम एल रैंक, वो लोग आराम से रख सकते हैं। जिनका ई डब्ल्यू एस 3 है वो लोग आराम से रख सकते हैं। जिनका बी सी 2 है, दो ही सीट है यहाँ पे, तो सबको मिलना कम चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे एस टी एस सी का सबको यहाँ पे पता चल गया होगा, ओके। और बाकी अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हो तो प्राइवेट का भी ऑप्शन रहेगा। जिनका रैंक बहुत ही ज़्यादा है, मतलब 200, 300, 400 जिनका भी रैंक है, तो भाई ये सब कॉलेज मिलना बहुत ही कम चांसेस है, ठीक है ना। तो आप अपना प्राइवेट चॉइसेस में रख सकते हो, या तो अगर आप नहीं रखना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। आप प्राइवेट भी रख सकते हो, कोई इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका, तो चाहिए चॉइस फिलिंग कीजिए। मैंने लिस्ट भी बता दी कि कौन कौन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, कौन कैसे चॉइस फिलिंग करना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू।